स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज जो क्लास करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास वगैरह से, साथ ही छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति बस्तर के दशरथ प्रश्न देखेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। जो आज की जो क्लासेस होने वाली सीजी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर यानी श्रम निरीक्षक के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक अंतिम प्रयास के साथ आज जो वीडियो रहने वाली काफी महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे। साथ ही गणित की जो क्लास होने वाली है, लेबर इंस्पेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो गणित की क्लास होने वाली बिल्कुल आज रात 8:30 से 9:30 के बीच में रिकॉर्डेड क्लास आपको अपलोड की जाएगी बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर, जो कि आपके व्यापम में कई बार एग्जाम में पूछा गया वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि नोट्स के साथ, जो मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा नोट्स के माध्यम के साथ। बिल्कुल गणित की क्लास होगी 8:30 से 9:30 आज। साथ ही आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के लोक कला और संस्कृति से पूछे जाने वाले प्रश्न, जो कि कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है वही क्वेश्चन देखेंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट क्लास लेकर आया हूं। जिनको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं लोक कला संस्कृति, साथ ही बस्तर के दशरथ से पूछे जाने वाले प्रश्न, साथ ही छत्तीसगढ़ के जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जनजाति वगैरह से, वो भी आज की क्लास में देखेंगे पूरे एपिसोड के साथ। वीडियो पर कहीं जाइएगा मत, एक लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जा रही है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बस्तर के दशरथ से 10 क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके CGPSC और व्यापम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं बस्तर के दशरथ प्रश्न से। दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जो खालिस्तान दिनों की अवधि तक मनाया जाता है, जो आपके CGPSC पुलिस कांस्टेबल CGPSC 14, 15, 17, 13 में पूछा गया है। जितने भी 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ बस्तर के, वहाँ से आपके 1 से 2 नंबर वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 10 क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे लोक कला व संस्कृति से प्रश्न। इसी ले कह रहा हूँ, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, हाँ एक और बात है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच पाए और अभ्यर्थी को यह लाभ मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं बस्तर के जो दशहरा है, आपका पारंपरिक त्यौहार है, वो आपका 75 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 75 दिनों तक चलता है। अब बात कर ले रस्म के बारे में, तो 13 दिन इसका जो रस्म है आपका 13 दिन तक चलता है। इसका प्रथम यात्रा है आपका पाटा यात्रा, याद रखना बस्तर के दशहरा से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ बिल्कुल एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं बस्तर के दशहरा में माउली माई की विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, आपके CG व्यापम और क्षेत्र रक्षक यानी कि वन रक्षक में पूछा गया है। तो जो लोग CGPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और साथ ही व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एक मिनट ना, जो आपका एक पिछले वीडियो में कमेंट में आया था कि जो लोग, हाँ शिक्षक भर्ती के लिए भी काफ़ी फायदा है ना, जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है वो आपका कल है ना, तो एक बार रिवाइज करके चले जाइएगा इस वीडियो को। साथ ही ये आपका लेबर इंस्पेक्टर, मतलब इसका मतलब है कि सहायक श्रम पदाधिकारी, इसके लिए जो निरीक्षक भर्ती है ना 34 पदों पर, उसका एग्ज़ाम आपको 24 जून के लिए, उसके लिए तो बेस्ट क्लास लेकर आया हूँ। वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, क्योंकि ऐसे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं बस्तर के दशहरा में माउली माई की विदाई के सम्मान में जो अंतिम कार्यक्रम होता है उसको माउली परघाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउली परघाव। जिनको पता है कमेंट में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, बिल्कुल रिवाइज कीजिएगा, अब पढ़ने का समय नहीं है, है ना। मैं वही कह रहा हूँ जिनको तैयारी करना है, जो व्यापम और PSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट क्लास है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो जो मैं तैयारी करवाऊँगा उसको ध्यान से समझना। तीसरा है कि छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व किस माह मनाया जाता है? आप सभी को मालूम होगा आषाढ़ माह मनाया जाता है, CG व्यापम 2012 में पूछा गया है। उसी प्रकार बस्तर की दिवाली को दियारी भी कहा जाता है, व्यापम 2015 में पूछा गया। जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से जाइएगा सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जिसको नोटिफिकेशन मिलेगा वही वीडियो को देख पाएगा, ठीक है। अब बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति के बारे में बात करें, तो बस्तर के दशहरा उत्सव की जो समाप्ति है, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुड़िया दरबार से। जो बस्तर के दशहरा का जो उत्सव समाप्ति होता है मुड़िया दरबार से होता है, जबकि प्रारंभिक क्या होता है जल्दी बताइएगा, इसका प्रारंभिक क्या है जल्दी से कमेंट करके बताएं। बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति तो हो चुका, लेकिन अब जो प्रारंभिक होता है वो कार्यक्रम कौन सा है, कौन सा कार्यक्रम है जल्दी से कमेंट करके बताइए, कौन से कार्यक्रम है बस्तर के दशहरा
जो कार्यक्रम किया जाता है उसको पाट यात्रा कहा जाता है। एक बार याद रखिएगा, पाट यात्रा, ठीक है। बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है? सीजीपीएससी 2019 में पूछा गया है आपका गोंचा पर्व। बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को गोंचा पर्व कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? तो ये आपका व्यापम 2018 में पूछा गया है। बस्तर में माटी तिहार आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र माह को और कौन से बोलते हैं, जल्दी से कमेंट कर बताइए। बस्तर में माटी तिहार को चैत्र माह में मनाया जाता है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल, क्या बोला जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आया है। बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? जो रथ खींचा जाता है किनके द्वारा खींचा जाता है? सीजीपीएससी 2016 में आया हुआ है ना। तो चलिए, जो ये आपका रथ खींचा जाता है स्थानीय आदिवासी के द्वारा खींचा जाता है। बस्तर की जो दशहरा पर्व होता है रथ किन के द्वारा खींचा जाता है? तो आदिवासी, याद रखना, किसके द्वारा? आदिवासी के द्वारा, है ना। चलिए, बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है? तो आप बताइएगा जल्दी से कि बस्तर, देखिए आपके वन विभाग 2016 में है, बस्तर दशहरा का जो प्रारंभ होता है देवी की पूजा की जाती है। आपका काछिन देवी की पूजा की जाती है। किसकी, एक बार कमेंट करके बताइए। काछिन देवी की। जो जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ बिल्कुल इसको रट लीजिएगा, जो जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ इसको रट लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा, है ना। तो जल्दी से ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक मिनट ना, जल्दी से जाएँ। जितने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं या पहली बार आए हैं, जल्दी से ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना इस वीडियो में लाइक आएगा, आप सभी का परफॉर्मेंस आप सभी का अच्छा रहेगा। तो ऐसी ही क्लास लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर जो जुड़ चुके हैं तो हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास आपको अपलोड किया जा रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगता है जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगता है ऐसे एक और क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए अब देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बस्तर के दशहरा से। काछिन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? तो काछिन गादी आपका सीजीपीएससी और सीएमओ 2019 में पूछा गया है दशहरा। याद रखना, दशहरा जो है आपका 75 दिनों तक चलता है, बस्तर का जो दशहरा है आपका। उसी प्रकार ये आपका 13 रस्मों के साथ चलता है, 13 दिन रस्म रहता है उसका, है ना। काछिन गादी बहुत सारे एग्जाम से बस्तर से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक और देखेंगे उसका उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो पर, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक बार जल्दी से जाइएगा वीडियो को, एक बार इस प्रकार के चिन्ह आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस प्रकार का जो आता है ना इमोजी, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। इसका मतलब है दिल का ऑप्शन आता है, मतलब बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार का आप लोग ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर ये नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल गुड वाला कर दीजिएगा। गुड का जो ऑप्शन रहता है ना, वो आप मैसेज में जाके कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाद देखते हैं दशहरा से क्वेश्चन ही देखेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं जो कई बार आ चुका है। ये वाला जो पार्ट है इसको एक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बस्तर की दीपावली को दियारी कहा जाता है, ये भी जितने भी आप सभी को करा रहे हैं, ये जितने भी यहाँ पर पूछा गया है सभी आपको व्यापम और पीएसए में पूछा गया था, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे पूरा। तो चलिए, छत्तीसगढ़ में माटी तिहार यानी किस माह मनाया जाता है? चैत्र माह में। उसी पर किस पर्व पर धान की बाली का विवाह कराया जाता है? लक्ष्मी जागर। छत्तीसगढ़ का गोचर पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो आषाढ़ माह में, ठीक है। चुटकी में आभूषण पहना जाता है, चुटकी को पैरों की उंगलियों में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा में मेमोरी नहीं है ना, मुड़िया दरबार है, ये आपको याद रखना। जो मुड़िया दरबार किस दिन लगता है? तो द्वादशी के दिन लगता है। उसी प्रकार गौर पशु का सिंह धारण करते नाचते हैं माड़िया लोग। उस पर किस नृत्य में केवल स्त्रियाँ हिस्सा लेती है? तो सुआ। महाभारत पर आधारित पंडवानी गायक किस रस का वीर रस है? ये आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से, एक और लाइन पर रहिएगा ना, लाइन पर रहिएगा। बिल्कुल मैं क्लास कराने वाला हूँ, बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि ऐसे एग्जाम आपके व्यापम पीएससी में पूछा जा रहा है, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ जितने भी। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, टेस्ट के रूप में। बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, आपको तैयारी नहीं करना है तो, ठीक है। तैयारी करना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिसको तैयारी करना है तो, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले महाभारत पर आधारित पंडवानी गायन किसका है? तो वीर रस।
ददरिया किस प्रकार का लोकगीत है? प्रेम गीत। उसी पर छत्तीसगढ़ में प्रथम वर्ष की शुरुआत किस पर्व से होती है? तो हरेली पर्व, याद रखना, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन सा नृत्य गीत बच्चों द्वारा पौष पूर्णिमा के दिन गाया जाता है? यहाँ पर छेरछेरा। बांस गीत में क्या बजाया जाता है? बांस। बैगा जनजाति का बारात जो आता है ना, समय गीत, परघौनी गीत, बैना गीत भी होता है। उसी पर मिट्टी के तोते का टोकरी रखकर किया जाता है, तो सुवा गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? सुवा गीत कहते हैं, याद रखना, ठीक है, सुवा गीत कहते हैं। चलिए अब देखते हैं, मिट्टी के हो गए। अब छत्तीसगढ़ में नवरात्रि के समय गाया जाने वाले गीत को जस गीत कहते हैं। गोपल्ला गीत किस वंश से संबंधित? कलचूरी वंश, ठीक है, गोपल्ला है, कलचूरी वंश से संबंधित है। उसी प्रकार लड़का लड़की भाग के शादी करते हैं, उसको उड़ड़िया विवाह कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रासलीला आपको रास, ठीक है, नेशनल अवार्ड से सम्मानित दुनिया हिंदी फिल्म पटाया आपको शंकर शेष बिलासपुर में है। नई फसल के स्वागत के लिए आपको छेरछेरा फिर वही आ गया। बस्तर जिले में नागनगर वाला मृतिका शिल्प है, उस पर छत्तीसगढ़ में सवनही गीत गाया जाता है वर्षा ऋतु के समय में। सो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बने रहिएगा, पूरा रिवाइज करके जाइए, क्योंकि ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही है, ठीक, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन हम यहां से लाइक करके देखते हैं, उसके बाद हम पहली बार तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट हम लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षय तृतीया। चलिए मंदिर वगैरह से छत्तीसगढ़ से पूछे जाने वाला प्रश्न देखते हैं। चलिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सा? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या? जल्दी कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी है तो नया रायपुर, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं, जो भी है जैसे भी है, आपको गोंड जनजाति में आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। जनजाति लोग गोंड जनजाति, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। नया रायपुर राज्य सरकार के प्रशासनिक और वाणिज्य केंद्र है। सरगुजा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति की स्मृति पर याद किया जाता है। लोगों पहाड़ी नदी धर्मों के लिए माना जाता है। कौन सा दशमी? किस पर अभी चर्चा राज्य की पशु के बारे में बात, तो छत्तीसगढ़ गंगा दशमी पशु आपका हो जाएगा। चलिए ऑनलाइन मौखिक टेस्ट देखते हैं, पूरा पार्ट वन डिटेल बता चुका हूं, नहीं है छत्तीसगढ़ कला संस्कृति को ऑनलाइन क्वेश्चन हम करा चुके हैं यहां पर, उसी को पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 क्लास हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? आप सभी को मालूम है अभी चल रहा है, ऐसी और भी संभाग देखना चाहते हैं आप लोग चैनल पर जाइएगा, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, जाकर छत्तीसगढ़ कर लीजिएगा। लक्ष्मण या फिर कहां स्थित है व्हाट्सएप ग्रुप पर जो लक्ष्मण मंदिर है वो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, जाकर सिरपुर में स्थित है। एक बार से दोहराइएगा, आ रहा होगा कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर हम पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो हमको नहीं दिखाई दे रहा है या फिर किस पर जाएं, हम बताएंगे हमारे चैनल पर जाना, डायरेक्ट हमारे चैनल पर पूरा जाना, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कीजिएगा जितने भी यहाँ मौजूद हैं, आप जो भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप छत्तीसगढ़ व्यापम की तैयारी करें, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है, तो इंद्रावती आपको मिल जाएगा, एडीओ बीजापुर, कंप्यूटर की जितने भी क्लास चल रही है, सीजीपीएससी व्यापम राष्ट्रीय उद्यान जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कंप्यूटर की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान वाडा एग्जाम जिले में 500 से अधिक पदों पर भर्ती आएगी। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ तो जगदलपुर व्यापम का लेबर इंस्पेक्टर क्लास जो 34 पद पर आई है स्थित है, जगदलपुर में एग्जाम है, इस चीज पर शिक्षक भर्ती का एग्जाम आपका कल से है। चलिए आप छत्तीसगढ़ खनिज और इसको से देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, जल्दी से जाइए वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को मालूम हो कर्मा स्टूडेंट लोग या फिर जो अभ्यर्थी कमेंट करके बताइएगा लोग यह वीडियो को लाभ है ना, तो छत्तीसगढ़ का लोकगीत आपका कर्म नित्य होगा। उसी प्रकार चलिए पारंपरिक क्वेश्चन करेंगे फटाफट कमेंट करना है ना, छत्तीसगढ़ में हरेली कौन सा पारंपरिक आपके द्वारा मनाया जाता है, तो किसान के द्वारा मनाया जाता है, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ ना, फुगड़ी खेलती हैं, पढ़ने में बहुत टाइम मिल जाएगा। रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है रास, ठीक। बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद होता है? तो बस्तर का जो आपका मड़ई मेला होता है दिवाली, याद रखना कौन सा है, दिवाली के बाद, ठीक है, फटाक से कमेंट करें। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा छेरछेरा किससे संबंधित है? नई फसल, ठीक है, याद रखना, मैं फटाफट कमेंट कर रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसका आंसर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं है ना। क्या है नेक्स्ट क्लास आपका मैथ्स का लेना है, मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का क्लास रहने वाली है, कंप्यूटर की क्लास हो चुकी है, जो लोग नहीं ज्वाइन किए जाके अभी ज्वाइन कर लीजिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिए जाके ज्वाइन करें, ठीक है। किस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा की थी? हम बोला, ठीक है, और राउत नाचा किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है? आपका सीजीपीएससी 2019 में पूछा गया, दिवाली, याद रखना, जो राउत नाचा होता है आपका दिवाली के अवसर पर मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का लेजा गीत, तो आप सभी को मालूम है जो छत्तीसगढ़ का लेजा गीत होता है आपके बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का लोकगीत होता है। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कहाँ दशहरा विख्यात है, तो आप सभी को मालूम है दशहरा से अभी मैं क्वेश्चन कराया हूँ बस्तर वगैरह से, ठीक है, तो कितने दिन तक चलता है बस्तर का जो दशहरा आपका 75 दिनों तक चलता है। प्रथम कार्यक्रम है पाट यात्रा, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका एग्जाम में आपको जरूर लेकर आऊँगा, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो
हाँ वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ मूलतः पर्व नहीं है, तो ओणम। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को यह जो छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ इसमें आप सभी को लाभ मिल सके, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं या फिर नहीं देखना चाहते। अगर चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हम नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो वहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नेक्स्ट वीडियो, सर जी प्लीज़ सेकंड क्लास लेकर जरूर आएँ। तो हम चलिए हम बात करते हैं इसका छेरछेर पर्व किस दिन मनाया जाता है, तो आप सभी को मालूम हो आषाढ़ के दिन मनाया जाता है, पौष पूर्णिमा के दिन यहाँ पर दिया गया है। हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है, तो आपका हरेली नामक पर्व श्रावण अमावस्या है ना। गेंडी का महत्व हरेली, गेंडी आपका हरेली हो जाएगा। हरी तालिका तीज त्यौहार के लिए आपका है, स्त्री याद रखना है ना। जादू टोना तंत्र मंत्र आदि के लिए कौन सा त्यौहार उपयुक्त माना जाता है, तो आप सभी के लिए मालूम होगा हरेली। कुश्ती का खेल किस विशेष त्यौहार के अवसर पर खेला जाता है, नागपंचमी। बस्तर का प्रसिद्ध युद्ध दशहरा कितने दिनों तक चलता है, याद रखना 75 दिनों तक है ना, तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। दिवाली के पश्चात बस्तर में मनाया जाने वाले किस त्यौहार की पृथ्वी की पूजा जाती है, तो माटी तिहार। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित किया जाता है, आपका फिर 2005 में पूछा गया है होली। कौन सा पर्व पुष्प पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जल्दी बताइए। छेरछेरा। वेदमती और कपाली किस लोक नाट्य की शाखा है, तो वेदमती और कपाली का आपका जगह पंडवानी, ठीक है। अब श्रृंगेरी ऋषि का मेला लगता है आपका धमतरी में। उसी पर राज्य की पहली फिल्म कही देवे संदेश के निर्माता है आपका मनु नायक। रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीविजन फिल्म है पर बुधिया। माओ माटा बूटे जनते पत्र गया था आपका आ जाएगा शिकार नाटिका। छत्तीसगढ़ आदिवासी के नृत्य जो गीत में भरम के लिए रूस में प्रदर्शित हो चुका है, मांझी गीत। सूरज भाई खांडे के अलावा भरथरी गायिका आपका रेखा जल छत्री, एग्जाम में कई बार पूछा गया सूरज भाई खांडे वाला है ना, और आप सभी को मालूम होगा कि भरथरी गायिका कौन है, सूरज भाई खांडे। अब तीजन भाई जानते हो ना आप, तीजन भाई को पूरा पद्म पुरस्कार मिल चुका है, तीन जो रहता है ना पद्मश्री पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण तीनों ही मिल चुका है उसको। मुड़िया आदिवासी द्वारा अपने देवता लिंगदेव को प्रसन्न करने हेतु ककसार नृत्य आएगा, इसका डायरेक्ट आंसर लगा दीजिएगा, प्रसन्न करने वाला नृत्य कौन सा है। स्वर गीत कब गाया जाता है, आप सभी को मतलब दिवाली के अवसर पर गाया जाता है ना, इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। सर्वप्रथम फ्रांस में आयोजित भारत का महोत्सव आज 1984 में छत्तीसगढ़ की किस पंडवानी गायिका को सम्मिलित कर दिया था, आपका तीजन भाई है। मैं आप सभी को बार बार कह रहा हूँ कि इसलिए वीडियो को रिवाइज करते जाइए, 30 क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन हम और क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे है ना, तो एक बार रिवाइज करके जाइएगा। हम 30 के हम 50 क्वेश्चन कराएंगे आपको, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। 30 क्वेश्चन हो चुका है, इसी तरह अगर वीडियो अच्छा लगता है जल्दी जल्दी जाइएगा, हमारी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 क्वेश्चन के हम 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कराने को तैयार है, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम कंप्यूटर के रहने का नहीं, मैथ्स का रहेगा ना, कंप्यूटर की क्लास कंप्लीट हो चुका है, अब आपका मैथ्स का क्लास लगेगी इधर है ना। तो नहीं मैं कौन सा छत्तीसगढ़ी नृत्य नहीं है, तो छाऊ नृत्य, क्योंकि गेंडी नृत्य परिंद और कर्मा नृत्य तीनों ही हैं, और यहाँ पर देखिएगा जो नृत्य है आपका छत्तीसगढ़ का नृत्य है तो गौर नृत्य आएगा आपका, ठीक है। और निम्नलिखित किसे डिडोंग नृत्य कहा है, डिडोंग नृत्य अब एग्जाम में पूछा गया व्यापम का 2019 में पूछा गया था, आपको गेंडी नृत्य आएगा है ना। कंवर जनजाति नृत्य विषय ये आपका भी 2020 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था पीएससी का, जिसमें सोहर गीत आएगा इसका आंसर। बिल्मा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य, बिल्मा बैगा से संबंधित है। छत्तीसगढ़ लोग बैले कहा जाता है पंडवानी को। फसल काटने के बाद पश्चात धिकान जाति निवास करते हैं, आपका हो जाएगा कर्मा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। छत्तीसगढ़ में धाकी गीत का अवसर किस पर गाया जाता है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा ना, जितने मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोग वीडियो में अच्छा कमेंट नहीं करोगे, आप लोग को वीडियो अच्छा खासा नहीं आएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं लेकर नहीं आऊँगा, ठीक है। आप लोग फिर मत कहना कि सर नेक्स्ट पार्ट नहीं लाया करके, मैं इसलिए कह रहा हूँ जो हमारे चैनल को देख रहे हैं जल्दी से जाए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए आपका, जो भी है हम फ्री में करा रहे हैं, बिल्कुल मेहनत करके करा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ नहीं चाहिए आप सभी के है ना, वीडियो को लाइक आना चाहिए बस है ना। चलिए तीजन भाई के पंडवानी गुरु कौन है, तो तीजन भाई के पंडवानी गुरु ब्रिजलाल पारदी जी। छत्तीसगढ़ में तंत्र साधन लोकगीत आपको कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बैना गीत। उसी पर छत्तीसगढ़ भरथरी के प्रसिद्ध गायिका ने मुख्य था सूरज भाई खांडे है ना, ये बाली बर्फ वाले एग्जाम में कई बार पूछा है, भीमा देव आएगा ना, भीमा देव। चलिए संन्यास और श्रृंगार के लोग थे छत्तीसगढ़ लोकगीत को मिलती है आपको भरथरी, याद रखना। छत्तीसगढ़ में महाकला माना जाता है आपका सरगुजा में है ना, और उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गीतकार लक्ष्मण मसूर किस जिले के सुपुत्र हैं, तो बिलासपुर, याद रखना जो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गीतकार हैं लक्ष्मण मसूर जी किस सुपुत्र आपका बिलासपुर आएगा, ठीक है।
और नारायणपुर की जिले में बालक ने दूसरा फिल्म का कार्य किया था, तब का आ जाएगा चंदू। और तीजन भाई की क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिले तो सी जी पी एस से बात करें तो पंडवानी है ना, याद रखना। उसके बाद निम्न कौन सा पंडवानी गायन से संबंधित है, तो अब याद रखिएगा रितु वर्मा जो है पंडवानी गायन से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुका है, कल का वीडियो हम इसको देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, रागी नामक कला का चतुर्थ किस कला से होता है, तो पंडवानी। ठीक है, तो टोटल आपको 50 क्वेश्चन इधर हो गया, बस्तर का दशहरा से 10 क्वेश्चन उधर हो गया, फिर वन अलग क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन उधर हो गया, मतलब टोटल आपका 90 से 95 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ऐसे वीडियो और पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग पहली बार आए हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि डेली क्लास कराया जा रहा है, बिल्कुल रिकॉर्डेड है, बिल्कुल फ्री क्लास है ना। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो हम नेक्स्ट पार्ट लेकर जरूर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैथ्स का क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। मैथ्स का क्लास करना चाहते हो, बिल्कुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा मैथ्स का क्लास। तो चलिए फिर।